हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमने डिसाइड किया है कि हम आज से जो है वो कुछ हेल्दी खाना खाएंगे और उसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि मतलब क्या क्या हेल्दी खाना हम बना रहे हैं, क्योंकि हुआ ये कि शादी के बाद तन्नु का करीबन 15 किलो वेट गेन हो गया। आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? वेजिटेबल दलिया। भाई तू इतनी सारी हरी मिर्च डालेगी, उसके बाद तू लाल मिर्च डालेगी, स्पाइसी नहीं हो जाएगा? मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, डालूंगी भी तो बहुत हल्की सी डालूंगी। मैं ज्यादातर हरी मिर्च और काली मिर्च यूज करना चाह रही हूँ। और ये चीजें क्या क्या है यहाँ पे? हरी मिर्च है, अच्छा, हाफ आलू, और ये बीन्स, ऑनियन, कैरेट और कैप्सिकम। तो ये सारी चीजें लेके बनेगा वेजिटेबल दलिया। इसमें वो भी डालती थी रोस्ट करके काजू डालती थी, बट आई थिंक अभी घर में काजू नहीं है। वो तो पड़े हैं, बादाम तो पड़े हैं। बादाम नहीं डालते, रोस्टेड काजू। इसको ओपन करना, ओपन करना इसको। सो बेसिकली हमने अभी क्या करना है, मेन जो गोल हमारा वो है, मेरे को वेट गेन करना है, क्योंकि मेरा वेट जो है वो वैसा तो ठीक ठीक है, बट थोड़ी गेनिंग करनी है, और तन्नू को वेट लूज करना है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिसाइड किया कि जो पोर्शन तन्नू को किसी भी आइटम का ना एक पोर्शन खाना है, मेरे को जस्ट उससे डबल या ट्रिपल खाना है, जिससे मेरा हेल्दी वेट बढ़ जाएगा और उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या डाला है? दलिया, और इसको थोड़ा भून रही हूँ मैं। सो ये दलिया 2-3 मिनट रोस्ट करके निकाल दिया। अब इसके बाद कुकर में दोबारा से घी जाएगा। इट्स अ देसी घी, वेरी गुड। एक चम्मच और डाल दे। क्यों? डाल दे ना, सही रहता है। नहीं यार, वो तो वैसे भी वेट कम करना है मेरे को। अरे घी गुड फैट में आता है, घी बैड फैट में नहीं आता बुद्धू। घी इज गुड, अगर देसी घी है तो। ये क्या है? सरसों, हींग, हल्की सी हींग, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी रहती है। हींग, सरसों, एंड उसके बाद बहुत सारी वेजिटेबल्स। ये हरी मिर्च गई, ये प्याज गए, ये बीन्स, उसके बाद आलू, गाजर। शिमला मिर्च क्यों नहीं डाली तूने? शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है, सोटे हो जाती है जल्दी, तो बाकी वेजिटेबल्स थोड़ी ऐसी हैं, टाइम लेती हैं। और सिटी भी मरवानी होती है इसकी? हाँ, मैं मतलब वैसे मैं एक ही सिटी मरवाती हूँ, बट लोग ज़्यादा मरवा देते हैं, बट मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा कच्चा रखती है, मैं हल्का सा खड़ा बनाती हूँ, मेरे को वैसा पसंद है। ये क्या डाल रहा है? हल्की सी लाल मिर्च। ये क्या है? काली मिर्च। ओके, मेरे को दही में भी काली मिर्च चाहिए। हाँ, काली मिर्च, मेरे को दही में काली मिर्च इतनी अच्छी लगती है ना, काली मिर्च प्लस थोड़ा सा नमक। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता है। मस्त लगता है। इसमें अभी 2-3 कमियां रह जाएंगी, क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर नहीं हो पाएगा। बिना टमाटर भी अच्छा बन सकता है। हाँ, बनता है, बट जैसा मैं खाती हूँ, प्रेफर करती हूँ, उसमें 2 कमियां रहेगी। एक तो काजू फ्राई करके बहुत यम लगते हैं, काजू तो उसमें भी अच्छे लगते हैं ना, चाउमीन में मतलब मैंने खाई, नूडल्स में खाए कितने मस्त लगते हैं। हाँ, काजू वाली चाउमीन अपनी इतनी फेवरेट है। हाँ, काजू, रोस्टेड काजू बहुत मस्त लगता है चाउमीन में, दलिया में। इसमें दलिया डाल दिया तुमने? ये तो ज्यादा बड़ा नहीं लगी कड़छी? हाँ, क्योंकि मेरे को एकदम सिर्फ यही वाली दिखी, कुकर के साइज के हिसाब से तुमने ज्यादा बड़ी ले ली। पानी कितने कप डाला इसमें? मेरी एक कटोरी थी, तो मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला, क्योंकि मेरे को खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, वरना जनरली जो लोग घर पे बनाते हैं उसमें वो 3 गुना पानी डालते हैं। अगर एक कटोरी है दलिया तो वो 3 कटोरी पानी डालेंगे। इट्स अ हेल्दी दलिया। इसमें अभी मैंने भाप में टमाटर रखे थे ना, इतना खट्टा सा एक टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा रहेगा ना, तो दलिया के साथ होगी थोड़ी सी दही, जिसमें काली मिर्च है और नमक भी है, काली मिर्च और नमक है, नमक हल्का, और बस आई थिंक सही बन गया यार।